हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉइस्चर्स लेक्चर। बच्चों, मैं आपके लिए आज क्लास 9 से हिस्टोग्राम का जो दूसरा मेथड है वो लेके आया हूँ। दूसरा जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में तीन तरीके होते हैं। सिंपल वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा है, इसमें आप देखिए ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है। इसे आपको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म्स क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं? बच्चों आप ये देखिए, कंटिन्यूअस नहीं है, 10 टू 17, उसके बाद में जो दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो 18 से हो रहा है, जबकि इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, है ना। 17 है तो या तो ये 17 से स्टार्ट होता है या ये 18 पे खत्म होता। अब ये यहाँ गैप है, 25 के बाद 26 है, तो बच्चों ये इसकी पहचान है। जब गैप आता है समझ जाइए ये इंक्लूसिव सीरीज है और इसे हमें पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, जब उसके बाद हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पे बच्चों जो इनके बीच में गैप होता है 17 और 18, 25 और 26, हमेशा गैप सेम मिलेगा, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा सर गैप अगर अलग हो, यहाँ पे 1-1 का गैप है, जैसे यहाँ पे 1 का गैप है ना और आगे जाके 2 का गैप मिले 41 के बाद 43 से स्टार्ट हो, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको गैप सेम मिलेगा, 1 का है तो पूरी सीरीज में आपको 1 का ही गैप मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चों देखिए, तो अब इसको क्या करते हैं, जो गैप होता है जैसे जो 1 का गैप है तो उसका करते हैं हाफ, ठीक है। यानी कि 1 का हाफ क्या होगा, 0.5, ठीक है। उसे लोअर लिमिट में से तो माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट सब में करेंगे। इस लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। इसे याद रखने का तरीका ऐसे याद रखिए कि जो जितना लोअर है या जो जितना गरीब है उसे और गरीब बनाया जा रहा है और जो जितना अमीर है उसे और अमीर बनाया जा रहा है। मतलब इसमें से माइनस किया जा रहा है, लोअर में और माइनस, अपर में और प्लस, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। चलिए तो सबसे पहले हम बच्चों इसकी टेबल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। टेबल को फॉर्म करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहां पर तो आ जाएगी आपकी एज ग्रुप, ठीक है। ये आपकी रहेगी, मैंने क्या बताया, लोअर में से माइनस करेंगे तो 10 में से अगर 0.5 गया तो क्या बचेगा, 9.5, और अगर 17 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17.5। फिर 18 में से माइनस करेंगे तो 17.5, और इसमें ऐड करेंगे अपर में तो 25.5, इसमें बेटा माइनस करेंगे 26 में तो 25.5। आधा आधा माइनस कर रहे हैं, आधा आधा प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 33.5 उसमें माइनस करेंगे तो 33.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 41.5, 42 में से माइनस करेंगे तो 41.5, और यहाँ पे 49.5, सही है। लास्ट वाले में से माइनस करेंगे तो 49.5 और ऐड करेंगे तो 57.5। अब बच्चों दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 300। फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 980, 740 और एक आपका 580 और उसके बाद में है 260 और उसके बाद में है 140, ठीक है बच्चों। ये आपको ऐसे टेबल बनानी है, बना लेंगे सभी। उसके बाद में अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन बच्चों अब आपके लिए जो एक्साई ली जाएंगी एक्स एक्सिस पर, वो ये वाली काम की है, ये वाली अब किसी काम की नहीं है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। देखिए अब सारी इक्वल हो गई, ये खत्म हो रही है 17.5 पे तो ये चालू हो रही है, ये 25.5, ये 25.5, 33.5, 33.5, यानी कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो चुकी है जो पहले डिसकंटिन्यूस थी, ठीक है। ग्राफ के लिए क्या बताया था मैंने पहले, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और यहां पे इसका जो रहता है वो रहेगा ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे 9.5 है, मैं स्टार्टिंग 0 है यहां पे, तो यहां पे हल्का सा चाहे तो अगर आप बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे ये तो बहुत बड़ी है, तो किंक लगा सकते हैं। अदरवाइज इनमें किंक लगाने की बहुत जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 9.5 छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी नहीं है। कि 0 से बहुत बड़ी हो तो किंक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं 9.5। अच्छा एक बात और, जो वैल्यूज यहां पे दी होती है सीधी आप वही लिया कीजिए एक्स एक्सिस पे। ये नहीं कि सर हम 10 ले लें, हम थोड़ा सा कम कर देंगे, नहीं, आप वही वैल्यू लीजिए जो यहां पे है, ठीक है। 17.5 है, 17.5 लीजिए, 17.5 के बाद में है 25.5 है,
25.5, उसके बाद में 33.5 है, 33.5, उसके बाद बच्चों 41.5 है, 41.5, उसके बाद में 49.5 है, 49.5, और उसके बाद में 57.5 है, तो 57.5, सभी को क्लियर है। ये देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 980 जा रही है, तो अब आप इस पर कितने कितने का गैप लेंगे, 100 का ले लीजिए, ताकि 100 का लेने से इसमें 10 कॉलम बनेंगे, बस 10 बार गैप आएगा, ठीक है। 100, 200, अब ये मत पूछिएगा कि सर इस पर फिर किंक लगा दें, इस पर किंक नहीं लगेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लगता है बस, इस पर किंक नहीं लगेगा, आप वहां पे स्केलिंग कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर को 100 मान रखा है, ठीक है, ये चीज, तो आप कहीं इस पर भी किंक लगाने की सोचें कहीं। 600, 700, 800, 900, और देखो मेरे पास अब ऊपर जगह नहीं बची है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं, क्योंकि इसकी मुझे अब जरूरत भी नहीं है, है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तो वैल्यूज यहां से देखूंगा आप, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं, और ये लीजिए बच्चों 1000, ठीक है, मैंने पूरा कर लिया ये ग्राफ, ठीक है। अब देखिए 9.5 से 17.5 में कितनी है, 300, 9.5 से 17.5 में 300 है, तो ये बच्चों 300 बनेगी, ठीक है। उसके बाद में 17.5 से 25.5 में 980 है, सीधा 980, ठीक है, तो आप इसे यहीं से आगे ले जाएंगे, 980 का मतलब, देखिए रफली आइडिया ले रहा हूं मैं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, 980 समथिंग यही होगा, 900 और 1000 के बीच में कहीं यही आएगा, तो इतना ये आपका बच्चों मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में क्या है, 25.5 से 33.5 में 740 है, यानी कि 740 700 और 800 के बीच में होगा, 750 जस्ट बीच में होगा, थोड़ा सा नीचे करके इसको जो है हम ले लेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 33.5 से 41.5 में 580, यानी कि ये आपका आ जाएगा 580 के कहाँ आएगा, 500 और 600 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसको, है ना, आपके पास में तो पूरा ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएंगे, आपको ये सब चीजें नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, अप्रॉक्स बन रहा है, आपके पास में एग्जैक्ट आएगा। उसके बाद में 41.5 से 49.5 में 260 है, तो बच्चों 260 यहां पे होगा, 250 से जस्ट ऊपर होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये लीजिए ये बना दिया। उसके बाद में बच्चों 49.5 से 57.5 में 140 है, 140 कहां होगा, 150 से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा, और इसका बच्चों बन गया ऐसे, ठीक है, हो सकता है कहीं से भैया थोड़ी सी मेरी बार ग्राफ में लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, समझिए थोड़ा सा, है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं जो है विदाउट ग्राफ विदाउट स्केलिंग सब बना रहा हूं इसीलिए। तो ये लीजिए बच्चों ये तैयार है आपका, लेकिन यहां पे नीचे आप लिखेंगे एज ग्रुप, ठीक है, ये एरो बना देंगे, और यहां पे आपके में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज। तो बच्चों ये आप स्केलिंग साइड में कर देंगे, मैंने पहले वाले में भी अपनी बता रखी है वीडियो कैसे करेंगे, ठीक है, ये आप एक्स एक्सिस पे बता देंगे कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को कितना ले रखा है, 8 कुछ लिया हुआ है आपने, 8 का डिफरेंस लिया है, 8 ईयर्स लिया हुआ है ना, और यहाँ वाई एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर को 100 का गैप माना हुआ है, ठीक है बच्चों, आप साइड में स्केलिंग करेंगे। तो बच्चों ये जो हिस्टोग्राम था वो था जिसमें आपको इंक्लूसिव सीरीज दी होती है, पहले उसे आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यूअस बनाते हैं, और उसके बाद में उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा मेथड रह गया जिसमें एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए कि हां मेरी वीडियो आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों हां एक बात और, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मैं लिंक आपको चलिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं यहां पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं,
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, अनअकैडमी पेज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लाइक कीना मत भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों।